today we are going to solve problem number 3.4 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandra and Sedigu. The question is that we have to calculate I1 to I4, yani I1, I2, I3, I4 ko calculate karna hai. अगर इस सवाल को थोड़ा गौर करें तो आपके पास यहाँ दो नोट्स मिलती हैं, एक ये आपके पास मिलती है, एक आपके पास यहाँ ये मिलती है। अगर हम जब नोट्स की बात कर रहे हैं तो हमें जाहिर सी बात है KCL का इस्तेमाल करना पड़ेगा I1, I2, I3, I4 का कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर एक नोट 1 को हम V1 का नाम देते हैं और नोट 2 को हम V2 का नाम देते हैं। KCL का अप्लाई करेंगे दोनों नोट्स पर। अगर एट नोट 1 की बात करें तो यहाँ को इसको एनालाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर एक करंट आपके पास ये इंटर हो रहा है जिसको हम I1 कैपिटल का नाम देते हैं, बाकी दोनों करंट आपके पास लीव हो रहे हैं। एक करंट आपके पास यहाँ से इन हो रहा है जिसको हम I2 कैपिटल का नाम देते हैं। और नोड 2 की बात करें तो यहाँ पर बाकी दोनों करंट I3 I4 लीव कर रहे हैं और आपके पास ये एक करंट जो है आपके पास टू एम्पेयर का जिसको हम I3 का नाम देते हैं वो इंटर हो रहा है। तो नोड 1 की बात करूं तो नोड 1 पर जब भी हम KCL का इस्तेमाल करेंगे, जब भी करते हैं वैसे KCL का अप्लाई, तो इंटरिंग करंट को या तो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं या फिर पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसी तरह फिर आप लिविंग करंट के उसके अपोजिट साइन कंसीडर करते हैं। तो मैं यहाँ इंटरिंग करंट जो है आपके पास मैं उसको नेगेटिव कंसीडर करता हूँ जो कि आपके पास 6 है, एंड उसके बाद आपके पास प्लस आपके पास आता है 3 एम्पीयर इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 9 हो जाता है, देन इज इक्वल्स टू I1 आपके पास क्या है V इज इक्वल्स टू IR के फॉर्मूले से क्या आता है I1 is equals to V upon R। तो आपके पास V क्या है यहाँ पर I1 के लिए V1 है और अपॉन में क्या है 20 ओम का रेजिस्टर, एंड देन प्लस V1 अपॉन आपके पास आता है 10 ओम का रेजिस्टर। जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा आता है 180 is equals to V1 प्लस 2V2 का नाम, और मजीद जब इसको सॉरी 2V1 है जब इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास V1 is equals to आपके पास आता है 60 वोल्ट। अगर आप नोड 2 को एनालाइज करें, यहां पर देखें कि एक करंट आपके पास I2 है जो कि लीव कर रहा है और एक I1 जो कि I3 जो कांस्टेंट है वो इंटर हो रहा है, और बाकी I3 एंड I4 भी लीव कर रहा है। तो मैंने कहा इंटरिंग करंट जो है I3 जो कि मैं इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं, उसके बाद I2 जो कि पॉजिटिव, देन प्लस I3, देन प्लस I4। यहां पर देखें I3 आपके पास 2 एम्पीयर है, एंड देन इज इक्वल्स टू I2 आपके पास 3 एम्पीयर है, एंड देन प्लस I3। I3 की मैं बात करूं तो आपके पास V2 अपॉन आपके पास आता है 40, एंड I4 की मैं बात करूं तो V2 अपॉन आपके पास आता है 40। तो यहां पर देखें V2 अपॉन 40 एंड देन प्लस V2 अपॉन 40, और इनको जब सॉल्व करेंगे 2 - 3 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन 40 प्लस V2 अपॉन 40। तो ये -1 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 40, एंड देन आपके पास V2 प्लस V2। तो यहाँ पर -40 इज इक्वल्स टू 2V2, देन V2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है -20 वोल्ट। हमें यही कैलकुलेट करना था, इसके साथ साथ आपने करंट भी कैलकुलेट करने थे। असल में हमें I1, I2, I3, I4 कैलकुलेट करना था। तो अगर हम यहाँ पर I1 की बात करें तो I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन आपके पास आता है 20, देन इज इक्वल्स टू आपके पास आते हैं V1 आपने क्या निकाला था यहाँ पर 60 वोल्ट, देन 60 डिनोमिनेटर में 20, देन इज इक्वल्स टू आपके पास 3 एम्पीयर आ जाता है। और I2 की मैं बात करूँ तो आपके पास आ जाता है V1 अपॉन आपके पास 10, देन इज इक्वल्स टू 60 डिनोमिनेटर में 10, देन इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है 6 एम्पीयर। और उसके बाद अगर मैं I3 की बात करूँ, I3 की मैं बात करूँ तो आपके पास आता है V2 अपॉन 40 जो कि आपके पास V2 हमने निकाला है यहाँ पर कैलकुलेट किया है जो कि आपके -20 डिनोमिनेटर में 40। तो आपके पास मिल जाता है I3 इज इक्वल्स टू -500 मिली एम्पीयर। देखिए I3 एंड I4 आर सेम बिकॉज रेजिस्टेंस दोनों के सेम है, देन I4 भी आपके पास हो जाएगा -500 मिली एम्पीयर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी माइंड में सवाल आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। बंडल ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।